नमस्कार प्रणाम, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका मान लीजिए आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गया है और नाम में भी, और मान लीजिए कोई जेंडर में भी कोई ऑपरेटर के वजह से आपका लिमिट क्रॉस हो गया है, ठीक है, तो उसको आप कैसे सुधार कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड में आप नाम दो बार सिर्फ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ एक बार और जेंडर एक बार, ठीक है, और आपका जो भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस होता है वो जरूरत के हिसाब से आप कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जरूरत के हिसाब से कहीं भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका लिमिट क्रॉस हो गया है तो उसको आप कैसे चेंज कर देंगे, नाम में भी, डेट ऑफ बर्थ में भी और जेंडर में भी, ठीक है, तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। सिंपल सा, यहाँ पे हमें इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आ जाने के बाद यहाँ पे जो लॉगिन ऑप्शन दिया है यहाँ पे क्लिक करना है सिंपल आपको, और यहाँ पे आपको आधार नंबर दे देना है और कैप्चर यहाँ पे देकर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है, और ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो आपका मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और सिंपल यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का कुछ ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन अपडेट सर्विस आया हुआ, यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करेंगे, और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट आधार ऑनलाइन, यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देखिए देख सकते हैं प्रोसेस टू अपडेट आधार पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं, देख सकते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ इनका जो भी है लिमिट क्रॉस है, मतलब कि इन्होंने डेट ऑफ बर्थ एक बार सुधार कर लिया है, इनका डेट ऑफ बर्थ जो है लिमिट क्रॉस हो गया है, तो उसको आप कैसे सुधार कर पाएंगे। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ सुधार करने के लिए सिंपल आपको जन्म प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए, और नाम के लिए भी आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, और जेंडर के लिए भी आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। तीनों डॉक्यूमेंट में अगर लिमिट क्रॉस है तो उसको लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, और मान लीजिए आपका नाम ही में सिर्फ लिमिट क्रॉस है तो उसके लिए भी जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ में भी जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। अब आप जन्म प्रमाण बनाएंगे कैसे, सिंपल सा, इसमें कोई ज्यादा कोई झंझट नहीं है। आप अपने ब्लॉक में जाइए, तहसील ऑफिस जो भी है वहाँ पे जाइए, फिर मान लीजिए गांव क्षेत्र में रहते हैं तो आपका जो हो गया ब्लॉक, और शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो तहसीलदार तहसील ऑफिस हो गया। ठीक है, वहाँ पे आपको जाना है और सिंपल से कहना है कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, जो भी आरटीपीएस काउंटर है, तो कैसे बनेगा वो पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप बनवा कर लेकर जा सकते हैं, बनवा लीजिएगा तो, और वहाँ पे जो भी बनवाएंगे अभी के डेट में, तो देखिए नीचे में एक क्यूआर कोड का, जैसे स्कैन करते हैं स्कैनर का एक आइकन बना होगा, ठीक है, तो उसको स्कैन करिएगा, और स्कैन करने के बाद आपके जो भी मोबाइल होगा उसमें पूरा वो आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो भी नाम उसमें डेट ऑफ बर्थ होगा तो स्कैन कीजिएगा ना, तो उसी तरह का पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो तभी समझिए कि आपका ओरिजिनल है। ठीक है दोस्तों, और आपको इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, तो इसको आप कैसे सुधार कर पाएंगे वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो भी आधार है UIDAI यहाँ पे आपको सर्च करना है इस तरह से, और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इसको हम वेलकम पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली का जो भी UIDAI का हेड ऑफिस है वो बता दे रहा है कि न्यू दिल्ली में है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बिहार का देख लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रांची, ठीक है, बिहार का रांची हो गया, और यहाँ पे जो भी आपका है मान लीजिए आसाम का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे गुवाहाटी है। इस तरह से आप लोग ऑफलाइन जाकर वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र देते हैं तो वहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जाएगा, और डिक्लेरेशन फॉर्म से ये आपका लिखा जाएगा कि इसके बाद हमें कभी भी नाम या जन्म तिथि या जो भी लिंग है वो चेंज नहीं करवाना है। अगर आपको मान लीजिए ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करने के लिए ये जो है इस ईमेल आईडी पे भी आप कर सकते हैं, तो ईमेल आईडी ऑनलाइन करने में ये दोस्तों होगा कि मान लीजिए वो होगा कि नहीं होगा इसका कोई मतलब कि गारंटी नहीं रहता है, इसलिए कि मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ आपको जो जरूरी है बहुत ही अर्जेंट जरूरी है तो आप प्लीज आप जो भी ऑफलाइन है जो मैंने यहाँ पे बताया ये ऑफलाइन का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चला जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं जो बिहार का हो गया रांची में हो गया, तो यहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको अपडेट करवा लेना है। अपडेट करने के बाद कम से कम आपका जितना दिन मतलब कि एक से दो हफ्ता लगेगा टाइम, और दो हफ्ते में सुधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही आज की बड़ी जानकारी थी, अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम।